हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5। दोस्तों, ये पेपर 18 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में आया था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकेंड मिलेंगे। 3 सेकेंड में उसका आंसर आप सोच सकते हैं या फिर उसका आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज, जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? दोस्तों, ये कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है? दोस्तों, कौन तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप अभिकेंद्र बल को ध्यान रखें, इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हो रहा है? दोस्तों, इसमें केवल लड़का अपने सिर पर किताब रखकर चल रहा है, इस स्थिति में कार्य हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की कितनी मात्रा होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जिंक, बाकी गिल्ट है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। दोस्तों, कितनी मात्रा होगी? 320 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 32% दी गई है, और इसे हम जब 1000 से गुणा करेंगे और परसेंट को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 320 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है? दोस्तों, दूध वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ताकि दूध के अम्लीकरण को रोका जा सके। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे आवर्त से संबंधित तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? दोस्तों, दूसरे आवर्त से संबंधित तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 6 किसका होता है, कार्बन का। तो आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब दूसरे आवर्त के तत्व हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके को रोका जा सकता है? दोस्तों, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसे रोका जा सकता है, शॉर्ट सर्किट को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 किलोग्राम द्रव्यमान 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली वस्तु को जमीन से किस ऊंचाई पर रखा जाए? तो इसमें दोस्तों आपसे ऊंचाई पूछी गई है। दोस्तों, आप स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देंगे, कितना होता है, यू बराबर mgh। तो यू का मान कितना दिया गया, 480, और m का मान कितना दिया गया, 6 किलोग्राम, g का मान 10, h हमें निकालना है। तो जब हम इसे गुणा से काट देंगे तो कितना आएगा, 6 8 48, 8। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 8।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन परमाणुओं में वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। चार कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। दोस्तों एक कार्बन परमाणु वाला तत्व होता है मेथ। मेथ दो वाला क्या होता है एथ, और तीन वाला प्रोप, और चार वाला क्या होता है ब्यूट। तो दोस्तों इसमें चार वाला पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ब्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों ए बी सी डी ई जिनका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 9 और 30 है, में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित है? दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी। तो दोस्तों बी यानी कि तीन, तीन परमाणु क्रमांक किसका है? लिथियम का। और पाँच, पाँच किसका है दोस्तों? सात, सात किसका है? सात है हमारा नाइट्रोजन का। और नौ किसका है दोस्तों? फ्लोरीन का। तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर में होगी। दोस्तों फोकस दूरी बराबर कितना होता है वक्र त्रिज्या का? आधा। तो इसमें वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 6.2। इसे जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.1। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 3.1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। O2 का आण्विक द्रव्यमान होता है, दोस्तों O2 यानी कि ऑक्सीजन, तो इसका परमाणु भार कितना है? कितना होता है? 16। और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 16 दूनी 32। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो वाट आवर होता है, दोस्तों 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 10 की घात 6। तो यानी कि जब हम इसे इधर कर देंगे तो 5 जीरो आ जाएंगे 10 के। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादलों का रंग सफेद के कारण दिखता है, दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के किरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? दोस्तों आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में किसने योगदान दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, दोस्तों हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कब कर सकते हैं? मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? दोस्तों कौन सी मिसाइल है? निर्भय। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु स्थिर हो तब उस पर केवल एक बल कार्य करता है, दोस्तों अगर कोई भी वस्तु स्थिर है तो उस पर हमेशा एक बल कार्य करता है, कौन सा बल होता है वो? उसका भार जो नीचे की ओर कार्य करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के कारण स्केलेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, दोस्तों लिग्निन के कारण स्केलेरन कायमा की कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया में किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप उस ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज ना हो, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है दोस्तों, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या क्या है? दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? दोस्तों, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1510 ईस्वी में, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, बीजपत्र पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पागलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पागलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? दोस्तों, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना कर देख लेते हैं, क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी कि हमारा लास्ट वाला क्या है? 3, तो इसमें हमारा आवर्त संख्या कितनी होगी? 3, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है जब ये भूमि को छूती है, तो इसमें होगी? दोस्तों, जब वस्तु भूमि को छुएगी तो इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? दोस्तों, पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है? सिनेबार, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 वोल्ट तेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी? फ्रेंड्स, पावर का फार्मूला क्या होता है? पी बराबर बी आई, तो हमारे वोल्टेज कितनी दिया गया है? 240, और धारा कितनी दी गई है? 0.6। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 144 वाट, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 144 वाट। दोस्तों, ये थे रेलवे ग्रुप डी के 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।